ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्विचवर्ड शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग स्विचवर्ड है और वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपके रिलेशन में कोई नेगेटिविटी आ गई है, फिर चाहे वो आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके मदर है, सिबलिंग है, फ्रेंड है, कलीग है, कोई भी है। अगर आपको लगता है कि हमारे पहले रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था एंड सडनली कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो उस सिचुएशन में ये जो स्विचवर्ड मैं आपको दे रही हूँ, आप इसको यूज करें एंड आप देखेंगे कि एक थोड़े टाइम में ही कैसे उस रिलेशन से नेगेटिविटी दूर हो जाती है एंड कैसे आपका रिलेशनशिप वापस से जैसे पहले था वैसा हो गया है। तो अगर आपके किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है और अगर आपको लगता है कि यस मुझे उस रिलेशन को इम्प्रूव करना है, अपने बॉस के साथ, कलीग के साथ, किसी के साथ भी या फिर अपने पार्टनर के साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए कि यस दिस वीडियो इज फॉर यू, यू वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद योर किसी के साथ भी, जिसके साथ भी है उसको मुझे लिखिए और इस वीडियो को सेव करके रखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, और उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि ये वीडियो और ये जो वर्ड मैं आपको देने वाली हूँ, स्विच वर्ड जो आपको देने वाली हूँ, उससे वो अपने रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करें और बेटर बनाए। तो इस वीडियो में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो स्विच वर्ड है फ्लाई पेपर। यस, आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जब भी आपको लगे कि किसी पर्सन के साथ या किसी भी सिचुएशन में आपको लगता है कि नेगेटिविटी आ गई रिलेशनशिप में, एंड मुझे उसको खत्म करना है, तो आपको सबसे पहले वो इंटेंशन क्रिएट करनी है। ठीक है, वो इंटेंशन क्रिएट कीजिए, जैसे कि ऑलरेडी जैसे आपके पहले रिलेशनशिप थे, कितने कॉर्डियल रिलेशनशिप थे एंड कैसे आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एंड सब कुछ स्मूथली चलता जा रहा है, आपको ऐसे विजुलाइज करना है। उसके बाद आपको इस स्विच वर्ड को चैंट करना है, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर, फ्लाई पेपर। ठीक है, जितना टाइम आप कंफर्टेबल हो उतना टाइम आप इसको चैंट कीजिए एंड उसके बाद जस्ट रिलैक्स, उसके बाद आपको कुछ नहीं सोचना है, जस्ट रिलैक्स एंड जस्ट डू योर वर्क, डोंट इवन थिंक अबाउट कि क्या होगा, कब रिजल्ट आएगा, नथिंग, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। एंड एक और चीज जो आप इसमें कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर आपके रिलेशन किसी के साथ खराब हो गए हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम उस पर्सन के बारे में इल वर्ड्स बोलते हैं, जनरली हम उस पर्सन को ब्लेम करते हैं, उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसे किया, वो ऐसे नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये सब आपको नहीं करना है। ये स्विचवर्ड चैंट कीजिए और उसके साथ साथ उस टाइम जब तक आप ये चैंट कर रहे हैं उस टाइम उस पर्सन के लिए, वैसे तो आई वुड से आगे भी ना करें, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम आप उस पर्सन के बारे में कुछ भी इल वर्ड्स मत बोलिए, ना ही कुछ ऐसा नेगेटिव सोचिए एंड देन यू सी कि कितने जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलता है। आप इसको चैंट करो और उसके बाद उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोचना है। जब भी अगर मान लो आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट आता है रिलेटेड टू दैट पर्सन या कोई सिचुएशन, इमिडिएटली अपने माइंड को स्विच करो और कोई अच्छी मेमोरी के बारे में सोचो, जिससे आपको एकदम से आपका माइंड चेंज हो जाए। तो कोई भी अच्छी मेमोरी, कोई भी अच्छी चीज़ जो आपके फ्रेंड ने, आपके फैमिली, जिसके लिए भी आप कर रहे हो, उन्होंने आपके लिए की हो या बोली हो, उसके बारे में सोचिए एंड देन जस्ट रिलैक्स। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको करनी है एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसको डेली करेंगे, फीलिंग के साथ करेंगे एंड अगर आप सच में वो रिलेशनशिप इंप्रूव करना चाहते हैं, यू विल डेफिनेटली सी रिजल्ट। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है एंड जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं आपको वही स्विचवर्ड्स और नंबर देती हूँ जो हमेशा बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमेशा रिजल्ट देते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए, जिस भी पर्सन के साथ आपको रिलेशन इंप्रूव करना है स्विचवर्ड बोलो एंड उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोचो। जब भी कोई नेगेटिव वर्ड थॉट आता है उसको कन्वर्ट कर दो पॉजिटिविटी में एंड देन यू विल सी इमिडिएटली दैट पर्सन के अंदर कितने जल्दी चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये जो स्विचवर्ड है ये एक डिफ्यूजिंग वर्ड है। ये क्या करता है, जो भी नेगेटिविटी होती है हमारे रिलेशनशिप में, जो भी किसी भी पर्सन में अगर हमारे रिलेशनशिप में आ गई है, तो उस नेगेटिविटी को ये डिफ्यूज कर देता है, उस नेगेटिविटी को ये हटा देता है। तो दिस इज वेरी 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 पावरफुल स्विचवर्ड टू रिलीज नेगेटिविटी फ्रॉम द रिलेशनशिप। तो इसको यूज करो एंड शेयर योर फीडबैक टू मी, टू यूज इट एंड कम बैक एंड आई नो आपको ये इसका डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। यू विल टेल मी दैट येस इट हैज प्रूव्ड वंडर, इट हैज वर्क्ड वंडर फॉर यू। सो डू लेट मी नो हाउ दिस स्विचवर्ड हैज वर्क्ड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ लवली डे, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।